अरे दानिश मियां, ये क्या है इतना तवील इंतजार? हमारे अपने ही हमारे मुंह से निवाला छीनने की कोशिशों में, लेकिन मैं जानता हूं कि उनके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। कुछ नहीं होता, अरे ये तो अल्लाह की मशीयत है कि मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था, या फिर इत्तेफाक कहिए। ताहिर, मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। ठीक है, मैं किसी अफसर के हाथों वो सारी फाइलें भिजवा देता। जन्नत में आजकल दानिश के अतबार और आदात में काफी तब्दीली महसूस कर रहा हूँ। कदम लड़खड़ाना, तलख मिजाजी तो इस कमबख्त की देन है, वरना तुम्हारे साथ बदतमीजी से पेश आने की हमाकत न कर बैठता। तीर ठीक निशाने पर लग चुका है, अब किसके नसीब में शिकार होना लिखा है ये तो वक्त ही तय करेगा। क्यों मजाक करते हैं, आपको तो हर बात का पहले से इल्म रहता है। तीर की धार, तीर की रफ्तार और तीर का शिकार। शेख नासिर का बुरा सोचने वाला अपनी बर्बादियों का सामान खुद करता है। जिस किसी ने भी आज तक शेख नासिर को जख्म पहुंचाने की कोशिश की वो नेस्त नाबूद होके रह गया। इसीलिए तो आप तामीरात की दुनिया के बेताज बादशाह तस्वूर किए जाते हैं। चौधरी की एक गलती उसके लिए तबाहकारियों का पैगाम ले आई। उसके घर को फूंक डालूंगा उसी घर के चिराग से। नासिर साहब, माना कि आपको ये ठेका नहीं मिला, पर उसके लिए इंतकाम लेने की बात कुछ। शेख नासिर जिद्दी है, बहुत जिद्दी। जो चीज हासिल करना चाहता है उसे मिलने ही चाहिए, नहीं मिली तो तूफान बरपा होता है। तूफान। गोया कि ये ठेका चौधरी साहब के लिए मुसीबत बन गया। कहा था मैंने उसे कि इस ठेके का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, मगर वो नहीं माना। बस वो तो अड़ गया अपनी बात पे। खैर, मेरा क्या हुआ? मेरा तो कुछ नहीं हुआ ना, नुकसान तो उसी का हुआ, उसी का। नासिर साहब, आप तो कमाल हैं। अरे कमाल वमाल कुछ नहीं कादर भाई, मैं अपने उसूलों का गुलाम हूं और ये मेरे अपने उसूल हैं। हेलो हेलो दानिश। हाँ सुहेल, ये बात अब तुम्हारे और मेरे दरमियान रहनी चाहिए। दानिश मियाँ, अभी बात खत्म कहाँ हुई? तुम पर रियासत खान का कर्जा भी तो है। वो मेरे और रियासत खान के बीच का मामला है, तुम्हें उसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। दानिश मियां, वो कर्जा भी तुम्हें मैंने ही दिलवाया था। बेहतर ये होगा कि तुम वो कर्जा चुकता कर दो और मैं समझ जाऊंगा कि बात खत्म हो गई। सुहेल, तुम अब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। अरे नहीं बाबा, मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ कर्जे की अदायगी का तकाजा कर रहा हूं।
तुम अभी फोन रखो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। गुल्लू, तुम्हें कितने बार कहा है बिना दस्तक दिए कमरे के अंदर मत आया करो? जनाब, मैंने तो दस्तक दी थी। तुम्हें मेरी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी करने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, मेरी हरकतों पर भी नजर रखते हो, चोरी छुपे मेरी बातें सुनते हो। जनाब, ये क्या कह रहे हैं आप? भला मैं ऐसा क्यों करूं? मेरी हैसियत तो इस घर में एक नौकर की है। तुम नौकर नहीं, जासूस हो। लेकिन क्या करोगे मेरा, बोलो क्या बिगाड़ोगे मेरा? आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कसम से मैंने कुछ भी नहीं सुना। सुना भी होगा तो क्या कर लोगे, मुझे घर से निकलवा दोगे? तुमने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मुझे गरीब पर रहम कीजिए, मुझे तो बेबी जी ने आपके लिए दूध का गिलास लाने को कहा था। आ जाओ। जनाब, आप बेवजह मुझ पे शक कर रहे हैं, मैंने तो हमेशा से ही इस घर का भला चाहा है। दफा हो जाओ मेरे कमरे से। तुम कल फोन पे दानिश के बारे में क्या कह रहे थे? जनाब, मैं अर्ज कर रहा था कि दानिश साहब ने फर्म के कैश में से तकरीबन 8 लाख रुपए लिए। व्हाट, 8 लाख रुपए? भाई किस लिए? ये तो मैं नहीं कह सकता, मुझे तो हर बार बीवी साहिबा के कहने पर दानिश साहब को ये सारा पैसा देना पड़ा। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें मालूम तो होना चाहिए कि वो ये पैसा किस पे खर्च कर रहा है। बीवी साहिबा का कहना था कि दानिश साहब कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। दानिश साहब नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं? अरे तुम दोनों तो इस घर के दुश्मन बन चुके हो, दो दो हाथों से लूटा है तुमने इस घर को। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, क्या किया हमने? मुझे ये बताओ, दानिश को 8 लाख रुपए किस लिए चाहिए थे? भाई तुम तो उसे तबाह करने पे तुली हो। अच्छा, तो ये बात है। देखिए, दानिश हमारा इकलौता बेटा है, वो खाली जेब लिए घूमता रहे, ये हमारे लिए शर्म की बात ना होगी? तो तुम्हारा ये मतलब है कि हमारी मेहनत की कमाई को वो अपनी अयाशी की नजर करते, यही ना? चौधरी साहब, हमें पहले ये मालूम करना है कि वो 8 लाख रुपए दानिश साहब ने किस चीज पर सर्व किए। अरे तुम भी ना इस्माइल, तुम जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश करते हो। भाई सीधी सी बात है, हमारी औलाद बिगड़ी है बस। अगर वो बिगड़ गया है तो उसे बिगाड़ने के जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपने हमेशा अपनी शफकत से उसे महरूम रखा है। अरे जन्नत, बेतुका इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पे। अगर दानिश को किसी बात ने बिगाड़ा है वो तुम्हारी अंधी ममता है। जनाब, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, दानिश साहब को सही डगर पर लाया जा सकता है। आप क्यों हकीकत से मुंह मोड़ते हैं? और हकीकत ये है कि अनवर चौधरी साहब की ठाट बाट और शान शौकत ने दानिश की शख्सियत को कभी उभरने का मौका ही नहीं दिया। जन्नत, बेतों का इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पे। कब आया वो मेरे पास, कब उसने अपनी जिंदगी के बारे में उसे बात करने की कोशिश की, जरा बताओ। कैसे आता वो आपके पास? आपने तो पहले ही उसे अपने खौफ और दबदबे का निशाना बना रखा था। सर, ये कुछ और फाइलें, ये भी उसी साल की है जिस साल उस लड़की इंशा का कत्ल हुआ था। हाँ, इंस्पेक्टर कईम खान। सर, क्या लगता है आपको, कोई सुराग मिल सकता है? सर, मैं कई बरस से पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, बहुत सारे ऑफिसर्स को देख चुका हूँ, लेकिन आपके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। और सर, मुझे पूरा यकीन है आप बहुत जल्द इस केस की तह तक पहुंचेंगे। इंसान अपनी मेहनत और लगन को अपना शार बनाए ना,
कोई काम नामुमकिन नहीं। हाँ, एक और बात सर, हमारे काम में छोटी सी छोटी बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप जा सकते हो। ठीक है सर। एक और बात, ये असगर खान किस किस्म का इंसान है? मेरा मतलब है उसका तौर तरीका, उठना बैठना। सर, वैसे आदमी तो ठीक ही है, लेकिन लेकिन क्या? और सर कुछ खास नहीं, बस उसे गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है। और कुछ? और सर वो जल्दबाजी से काम लेता है। जल्दबाजी शैतानी खसलत है, और जो शख्स अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता हमेशा नुकसान में रहता है। खैर, आप जा सकते हैं। सर, असगर खान के बारे में करीम खान से कुछ वाकफियत तो मिली, अब करीम खान के बारे में भी मालूमात हासिल करनी है, क्योंकि इन दोनों को लेकर मुझे इस केस पे काम करना है। ये देखना जरूरी है ये दोनों भरोसे के काबिल हैं या नहीं। अस्सलामुअलैकुम गजाला जी। वालेकुम अस्सलाम। गजाला जी, लगता है आज भी हमारी मुलाकात आधी अधूरी सी रह गई। अगर मुझे आपके आने की खबर होती तो मैं बाहर जाने का मन नहीं बनाती। अगर आपने बाहर जाने का मन बना ही लिया है तो मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ? दरअसल मुझे मेरी एक पुरानी सहेली ने आज ही फोन किया, वो कल ही अमेरिका से आई है। फिर तो मैं आपको रोक ही नहीं सकता, क्योंकि दो सहेलियां इतनी मुद्दत के बाद मिल रही हैं, भला मैं कौन होता हूँ रोड़ा अटकाने वाला। दानिश साहब, ये सच है कि हम एक मुद्दत के बाद मिल रहे हैं, मगर ये भी सच है कि मेरे दिल में आपके लिए बड़ी इज्जत है। ये सुनकर मुझे कितनी मसरत हुई है, इसका गालिबन आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खैर, आप इस वक्त रुखसत हो जाएं, क्योंकि हम तो कभी भी मिल सकते हैं। मिलेंगे, और ज़रूर मिलेंगे, वो भी बहुत जल्द। मुझे बड़ा इंतज़ार रहेगा उस मुलाकात का। अच्छा, खुदा हाफिज़। दानिश बेटे, मुझे लगता है कि आप अपने वालिद की शख्सियत से नाआशना हैं। मतलब? चौधरी साहब ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ सिफर से किया, और वो ये कभी नहीं चाहेंगे
कि आप उनकी कमाई हुई दौलत से कोई नया कारोबार शुरू करें। शेख साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। दानिश, आप तो अभी छोटे हैं, मैंने दुनिया देखी है। बेहतर यही होगा कि आप आज से ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। अस्सलामु अलैकुम चाचा। वालेकुम सलाम बेटा, माफ करना मैंने आपको पहचाना नहीं। चाचा आप मुझे नहीं पहचानते, मैं दानिश के बचपन का दोस्त हूँ, सुहेल नाम है मेरा। सुहेल, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए चाय पानी पी लेते हैं। नहीं चाचा, इस टाइम फुर्सत नहीं है, सिर्फ इतना बता दीजिए चौधरी साहब कहाँ हैं। चौधरी साहब तो ऑफिस गए हैं, दानिश साहब भी आज सवेरे ही किसी काम के सिलसिले में गए हुए हैं। और अम्मी जान कहाँ हैं? बेगम साहिबा की तबीयत अचानक खराब हो गई, वो डॉक्टर के पास गई हुई है। चलिए ठीक है, दानिश साहब आए तो उन्हें बता दीजिएगा क्योंकि बचपन का दोस्त सुहेल आया था। आप बैठ जाइए, मैं खुद उन्हें फोन करता हूँ। नहीं नहीं चाचा, फोन तो मैंने कई बार करने की कोशिश की लेकिन उनका नंबर शायद नहीं लग रहा। अरे हाँ, उनका पुराना नंबर, उसमें कुछ खराबी हुई थी। आप यहीं बैठिए, मैं उनका नया नंबर लाता हूँ। ठीक है चाचा। ये लिए। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। दानिश, दुनिया में हर कोई आपका खैर खा नहीं हो सकता, ज्यादातर लोग पीछ पीछे ही वार करते हैं। वाकई शेख साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे घर का नौकर गुल्लू। गुल्लू क्या कर रहा है? गुल्लू वो मेरी जासूसी करता है, मेरा तो दिन ब दिन उस पर शक पड़ता जा रहा है। दानिश, ऐसे नौकरों से खबरदार रहना चाहिए क्योंकि उन्हें तो मेहनत मशक्कत के बगैर ही दौलत पाने की हवस होती है। हेलो। हेलो दानिश, सुहेल अर्ज कर रहा हूँ। हाँ सुहेल, अब क्या है? आपके घर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे और चौधरी साहब से मुलाकात करता चलूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर तक पहुंच जाओगे तुम? क्या करूं यार, तुम्हारी बहुत याद आती है तो सोचा मैं ही हाजिर खिदमत हो जाऊं। अगर तुमने मेरे बारे में किसी से एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, गुल्लू ने चाय के लिए पूछा था लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, अभी चलता हूँ। देखो सुहेल, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। ठीक है यार, चल खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, इजाजत चाहूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। दानिश, मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूं। सुहेल का आपके घर तक आना, श-
शेख साहब, मैं बार बार की परेशानियों से तंग आ चुका हूँ। इस सुहेल के बच्चे को अब मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं, जज्बात में आकर इंसान अपना ही नुकसान करता है। बेहतर यही होगा कि तुम इस रियासत खान का हिसाब भी चुकता कर दो। मगर अगर मगर कुछ नहीं, अपनों के सामने अगर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सर, होटल में किसी का खून हो चुका है। What? सर, यह खून भी पिछले तीन खूनों की तरह ही किया गया है। खून कब हुआ? सर, होटल मैनेजर ने फोन पर बताया कि खून आधा घंटा पहले हुआ है। आप असगर खान को साथ लेकर चाय वारदात पे पहुंच जाइए, मैं भी पहुंचता हूँ। राइट सर, आप जा सकते हैं। अगर यह कत्ल भी वाकई उसी कातिल ने किया है तो इस कातिल को मैं कैफे किरदार तक पहुंचा के रहूंगा। अब उस कातिल का मेरे हाथों बचना नामुमकिन है। बेटे जैसे हो। बेटे, जब बाप ही बेटे का सहारा न बन सका तो भला घर का नौकर क्या सहारा देगा। छोड़ो, छोड़ो। आप गिर जाएंगे, आपको चोट लग सकती है। चलिए। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। चोट इस दिल में लगी, इसका इलाज है तुम्हारे पास। छोड़ो ये बकवास। चलो मैं आपको अपने कमरे तक छोड़ाता हूँ, आपको आराम की जरूरत है। तो क्या मुझे मेरे कमरे तक छोड़ेगा? तेरी वजह से इस घर के दो दीवार मेरे दुश्मन बन चुके हैं। धानी साहब, आपने मेरे बारे में बेवजह अपने दिल के अंदर ये शक की दीवार खड़ी कर रखी है। चलिए, तो कुछ भी कहे लेकिन सारे फसाद की जड़ तू है। चलिए, चलो, चलो। जासूस। मैनेजर कौन है? सर मैं हूँ। मरने वाले का नाम? सर खालिद। तफसील से बताओ, पूरा नाम क्या था? सर खालिद भट्ट,
श्रीनगर का रहने वाला था, हमारे होटल के इसी कमरे में ठहरा हुआ था। साथ में और कौन था? सर बिल्कुल अकेला था और हमेशा अकेला ही आया करता था। इन सबों से पूछताछ करके कमरे की मुकम्मल तलाशी ले लो सर। और हाँ, मेरी इजाजत के बगैर होटल छोड़ के कोई नहीं जाएगा। बेहतर सर। असगर खान। जी सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी मैनेजर साहब, आप हमारे साथ आओ। जी सर।